तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जिन्होंने बैड रिजल्ट दिया है, जिस कारण उनमें ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया है। लेकिन क्या वाकई में इन स्टॉक ने बैड रिजल्ट दिया है, इन स्टॉक का फ्यूचर क्या है, सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं तीन कौन स्टॉक है। सबसे पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सेकंड जो स्टॉक है वो एसीएल टेक, एंड थर्ड है इंडियामार्ट इंटरमेश। इन तीनों स्टॉक के बारे में मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए, एंड तीनों स्टॉक और लॉन्ग और हॉरिजन बहुत ही सुपर स्टॉक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट कैसे रिजल्ट पे रिएक्ट करता है। नॉर्मली दो तरह के रिजल्ट होते हैं, एक होता है जो बिजनेस चैनल वाले आपको दिखाते हैं, यानी कि वो एक स्पेकुलेशंस लगाते हैं, अगर उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिजल्ट नहीं हुआ तो वो स्टॉक को डिग्रेड करते हैं। ये बोलते हैं कि स्टॉक का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा। कुछ ट्रेडर्स इमीडिएटली स्टॉक में सेल पोजिशन क्रिएट करते हैं, कुछ लोग जो इन्वेस्टर है वो भी पैनिक में स्टॉक को सेल करते हैं एंड स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट होता है वो टेम्पोरली इम्पैक्ट होता है, यानी ये शायद एक महीना कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद नीचे से स्टॉक में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वाकई में स्टॉक का रिजल्ट उतना बुरा नहीं होता। एक सेकेंड टाइप का रिजल्ट होता है जो वाकई में बुरा होता है, यानी अगर प्रॉफिट गिरता है, रेवेन्यू गिरता है, इन सारी एबिटा मार्जिन गिरता है, इन सारी कारण जब स्टॉक का रिजल्ट वाकई में खराब होता है तब भी स्टॉक गिरता है। लेकिन क्या एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब होने से स्टॉक का पूरा फंडामेंटल खराब हो जाता है या स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए? ऐसा नहीं होता। आपको किसी कंपनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है कंपनी का फाइनेंशियल्स, कंपनी का फंडामेंटल्स, यानी कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, कंपनी का फंडामेंटल क्या स्ट्रांग है, अपकमिंग ग्रोथ कंपनी का कितना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, प्रोमोटर्स कैसे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है कि नहीं, नेक्स्ट है DIFI पोजिशन, DIFI क्या पोजिशन है उसमें, वो क्या इस क्वार्टर में पोजिशन ऐड कर रहे हैं या फिर उससे अपने पोजिशन को घटा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है ESG। आजकल के टाइम पे ESG पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो कंपनी ESG पैरामीटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर, उन सारे कंपनीज में बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कंपनी का जो अर्निंग है उस वाइज क्या उसका पी रेशियो है, ये सारे चीज़ों को डिटरमाइन करने के बाद ही आप किसी कंपनी को खराब या अच्छा कह सकते हैं। सो ये हो गया रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव। अब हम जान लेते हैं तीन कंपनीज के बारे में, क्या इन कंपनीज का प्रॉब्लम है इन द लास्ट क्वार्टर, किन कारण से इन स्टॉक में गिरावट आया है। जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, इसका जो है एक क्वार्टर का रिजल्ट सिर्फ खराब आया है, यानी बिलो एक्सपेक्टेशन, यानी कि न्यूज चैनल वाले जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, एज एक्सपेक्टेड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं रहा, इसलिए उन्होंने स्टॉक के बारे में ये कहा कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा है। हालांकि स्टॉक का रिजल्ट उतना बुरा नहीं था, कंपनी इज अ गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन इट्स बिलो, सो दे सेड इट्स अ बैड रिजल्ट। उसी के साथ साथ आपको इन चीज़ों में भी फोकस करना चाहिए था कि कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना है, प्रोमोटर्स ने कितना ज़्यादा शेयर प्लेज किया है, एंड कंपनी का डेप्थ कितना है। अगर कंपनी का डेप्थ है भी या प्रेजेंटली क्या कंपनी ने अपने डेप्थ को रिड्यूस किया है या फिर अपने डेप्थ को बढ़ाया है, अगर डेप्थ बढ़ता है तो इज अ नेगेटिव फैक्टर, अगर डेप्थ घटता है इज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। एंड लास्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में भी आपको देखना चाहिए, वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो क्या है। कभी कभी कुछ कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को तो अच्छा खासा शो करते हैं लेकिन उनका उतना कैश फ्लो नहीं रहता, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल उतना नहीं होता, वो क्रेडिट में प्रोडक्ट को सेल करते उतना ज़्यादा उनका कलेक्शन नहीं होता, लेकिन वो ऐसे नेट प्रॉफिट तो शो करते हैं लेकिन उतना कैश उनके अकाउंट में नहीं आता, जो एक बहुत नेगेटिव फैक्टर है। सो अगर कैश इनफ्लो एंड प्रॉफिट के बीच 10% का गैप होता है उसे हम अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर 50-40% का गैप हो जाता है, यानी जितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया करता है कंपनी उसका 40-50% अगर कम कैश फ्लो होता है तो उसे हम नेगेटिव फैक्टर कंसिडर करेंगे। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका ग्रोथ एंड फ्यूचर, जो बहुत ब्राइट एंड फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो एचसीएल टेक ने भी थोड़ा बहुत खराब रिजल्ट डिक्लेयर किया है। जो है प्रॉफिट उनका घटा इस कारण क्योंकि उन्होंने रिसेंटली कुछ बोनस डिक्लेयर किए हैं, बोनस डिक्लेयर करने के कारण उनका प्रॉफिट लिमिटेडली घटा है, लेकिन मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया है क्योंकि बिजनेस चैनल ने ऐसा ही शो किया कि कंपनी का प्रॉफिट बिलो एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि कंपनी का फंडामेंटली कोई चेंज नहीं, IT कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, ईच एंड एवरी क्वार्टर IT कंपनीज रिजल्ट स्पेक्टेकुलर, वो इंफोसिस हो, TCS हो, एंड कोविड के टाइम सबसे डिफेंसिव सेक्टर अगर कोई है वो है IT सेक्टर, सो एवरी डिप्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, एंड ACL टेक्स इज अ वेरी वेल नोन कंपनी। हालांकि ये नंबर 3 से नंबर 4 पे आ गया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, विप्रो ने इसको बीट कर दिया है, लेकिन फिर भी ACL टेक इज अ वेरी गुड कंपनी। सो जस्ट बिकॉज ऑफ बोनस देयर प्रॉफिटेबिलिटी डाउन, सो इसको उन्होंने खराब रिजल्ट कंसिडर किया। हालांकि रिजल्ट में उतना ज्यादा चेंज नहीं है। लास्ट टाइम जिस स्टॉक के बारे में बात करें वही इंडियामार्ट इंटरमेश,
का जो स्टॉक है उसके गिरने के पीछे जो कारण है वो है उसका रिजल्ट। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत डिक्लाइन है प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू एंड, लेकिन ये नंबर वन रीजन नहीं है स्टॉक के फॉल के पीछे। 10,000 से 7,000 स्टॉक आ गया है, इसके पीछे मेन रीजन है स्टॉक का वैल्यूएशन। स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, इसका पी बहुत हाई था, इसीलिए इट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट भी, नेगेटिव न्यूज भी स्टॉक के लिए बहुत बड़ा डेंजरस साबित हुआ एंड स्टॉक अपने पीक से बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया। हालांकि स्टॉक का फंडामेंटल उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक इज अ वेरी गुड कंपनी। अगर इसका CAGR ग्रोथ देखें इन फ्यूचर को 35% ग्रोथ ये स्टॉक दिखा सकते हैं द अपकमिंग डेज एंड ये अकेले अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनी जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है। इसका सीधा टक्कर जो है वो गूगल अमेजोन है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे तो लिस्टेड नहीं है। इंडियामार्ट इंटरबेस इज डूइंग वेरी वेल, हालांकि स्टॉक का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने के कारण थोड़ा बहुत बैड रिजल्ट एंड इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन हमने देखा है, लेकिन करेक्शन होने के बाद भी ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है और करेक्शन अगर होता है तो इसका वैल्यूएशन एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाएगा जो कि इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हम कह सकते हैं। ये थे तीन कंपनी तीन तरह के रिजल्ट डिक्लेयर किए लेकिन करेक्शन उनमें उतना ही आया है। तीन कंपनी जो है वो तीनों ही बहुत ज्यादा गुड कंपनी है फंडामेंटली एंड इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। टाटा कंज्यूमर का प्रॉफिट थोड़ा बहुत गिरा है एज एक्सपेक्टेड टू द बिजनेस चैनल, इसलिए मार्केट ने उसको डिग्रेड किया है। ACLTech का प्रॉफिट इसलिए गिरा है क्योंकि उन्होंने बोनस डिक्लेयर किया है। इंडियामार्ट का जो है वो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट थोड़ा गिरा है लेकिन वो उसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव था, इसलिए स्टॉक में बहुत करेक्शन हमने देखा है। सो ये तीन कंपनी है जो कि एक रियल एग्जांपल है जो कि अच्छे कंपनी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिजल्ट के कारण इनमें थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। किन किन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही किसी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिए। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो मार्केट के नेगेटिव पैनिक न्यूज़ पे आके आप उससे सेल मत कीजिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे जब बहुत टाइम तक आप स्टॉक को 5 से 10 साल तक होल्ड करेंगे। इसमें बहुत सारी एवरी ईयर 4 क्वार्टर आता है तो 5 साल में आपको 20 क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा, 10 ईयर्स में 40, तो 1-2 क्वार्टर रिजल्ट खराब होने से स्टॉक का फंडामेंटल चेंज नहीं होता। ध्यान से स्टॉक को पिक कीजिए, लॉन्गर हॉरिजन के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।